हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि अगर आपके Redmi 13C फ़ोन में नेट नहीं चल रहा है तो इस प्रॉब्लम को आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके पास एक Redmi 13C फ़ोन है और इस फ़ोन में आप लोग यहाँ पर मोबाइल डाटा को ऑन कर रहे हो, लेकिन ऑन करने के बाद भी आपका जो नेट है वो नहीं चल रहा है, मतलब यूट्यूब को ओपन करो फिर भी वो नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है, तो कैसे आप लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे गाइस, तो आज के वीडियो में मैं यही बताऊँगा आप लोगों को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर से नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर एक एडिशनल सेटिंग्स का ऑप्शन होगा। एडिशनल सेटिंग्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिर से नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रीसेट का। ठीक है गाइस, तो अगर आपके फ़ोन में यहाँ पर रीसेट का ऑप्शन नहीं मिल रहा तो यहाँ पर से बैक आना है और यहाँ पर फिर से सेटिंग्स में आना है और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो कनेक्शन एंड शेयरिंग का ऑप्शन मिलेगा। कनेक्शन एंड शेयरिंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर रीसेट वाईफाई मोबाइल नेटवर्क एंड ब्लूटूथ का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद रीसेट सेटिंग्स का ऑप्शन होगा, रीसेट सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। ऐसा करते ही आपका जो मोबाइल डाटा है वो रीसेट हो जाएगा और मोबाइल डाटा रीसेट होने के बाद आपका जो नेट नहीं चल रहा था वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। अगर फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप लोग अपने इस फ़ोन को एक बार सॉफ्टवेयर अपडेट कर लीजिए, अगर अपडेट आया है तो। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो आप लोग अपने इस फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट करके भी देख सकते हो, या आपने जो सिम लगाया है उस सिम का जो ट्रे है जैसे कि सिम 1 और सिम 2 होता है उसको आप लोग एक्सचेंज कर दीजिए। एक्सचेंज करने से भी आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे करके जो आप लोग अपने Redmi 13C फ़ोन में अगर नेट नहीं चल रहा है आपके इस फ़ोन में तो इस प्रॉब्लम को आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।